घर में अगर गेस्ट आ जाए और आपको झटपट कुछ बनाना हो 5 मिनट में, तो आज की स्पेशल रेसिपी है, ये है विदाउट गैस यानी कि फायरलेस कुकिंग की रेसिपी विद द लवली मॉम अपेक्षा नारुमंशी के घर पे हम आए हैं और वो एक शानदार रेसिपी दिखा रही है, इंस्टेंट दही बड़ा विद अ डिफरेंट स्टाइल। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हाय अपेक्षा। हाय। हाय। सो शी इज रेडी, देखिए आपके लिए रेसिपी की। सो स्टार्ट करें रेसिपी। यस, सो आई एम यूजिंग अ कुकी कटर टू cut the bread into circles. You can also use a lid, ढक्कन हो या कटोरी हो, आप वो यूज कर सकते हो। और इसमें आप कौन सी ब्रेड यूज कर रहे हैं अपेक्षा? ये मैंने यूज किया है मल्टीग्रेन ब्रेड। यू कैन यूज मिल्क ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड, जो भी आप ब्रेड यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसको आप कटोरी से भी कट कर सकते हैं, हमने दो ऑलरेडी कटिंग कर रखी है, यहाँ पे दो ब्रेड कट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। अभी मैं आलू का मिक्सचर बना रही हूँ। तो ये हमने बॉइल्ड पोटैटो लिए, राइट? यस, आई हैव बॉइल्ड वन स्मॉल पोटैटो, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। ओके। किशमिश, अच्छा, ग्रेटेड जिंजर। तो ये हम फिलिंग के संग बना रहे हैं अंदर। ओके। और थोड़ा सा ग्रीन चिली। ओके। आई हैव रिमूव द सीड, सीड्स निकाल दिया है बिकॉज बच्चे है, किसी को फीका नहीं लगे। आई एम जस्ट मेकिंग देम इनटू स्मॉल सर्कल्स। ओके। और उसके बीच में लगा दूंगी अभी। सो ये देखिए, हम अंदर भर के आपको दही वड़ा दिखा रहे हैं, किशमिश और आलू की फिलिंग के संग हम बता रहे हैं। और उसको हल्के हाथ से सील कर देती हूँ। देखिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, मॉम्स की ओरिजिनल रेसिपीज होती है, गारंटी आपकी किचन में भी ये रेसिपी ऐसी ही बनेगी। एंड देन उसके बाद अभी मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट प्लेटिंग इट अप। इसको मैंने दो एक ट्रे में डाल दिया यहाँ पे, और मैंने क्या किया है, दही को थोड़ा सा फेट के रेडी करके रखा है, उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाला है। अच्छा, तो दही रेडी है यहाँ पे। ओके। देखिए, अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं इसकी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, राइट? इसमें आपने मतलब गेस्ट आ जाए अपेक्षा, तो हम कभी भी इसको बना सकते हैं, राइट? कभी भी, और बच्चों का फेवरेट है। हाँ, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, अगर आप स्कूल से आते हैं और उनको भूख लग रही है तो झटपट बना सकते हैं आप। और मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया है ग्रीन चटनी को। हम कोई सी भी ग्रीन चटनी इसमें यूज कर सकते हैं जो आप घर में रेगुलर बनाते हैं। देखिए, और ये डेट्स एंड टैमरिन की चटनी है। तो इमली की चटनी, और अगर इमली की चटनी नहीं हो तो हम टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर घर में इमली की चटनी जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, तो उस वक्त आप टोमेटो केचप इसमें यूज कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है अपेक्षा। इनफैक्ट बच्चे भी ये बना सकते हैं, अगर आप उनको घर में सारी चीजें रेडी करके दे जाएंगे तो आपके पीछे से वो बना के इसको खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है यहाँ पे, नमक, और ये है थोड़ी सी चाट मसाला। रोस्टेड जीरा पाउडर। ओके। थोड़ी सी लाल मिर्ची टेस्ट के अनुसार। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है अपेक्षा, बहुत ही एक्चुअली टेम्पटिंग और अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये। और थोड़ा सा मैं गार्निश कर देती हूँ इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स के साथ या फिर मिंट। एंड ये देखिए, और पोमोग्रेनेट भी आपने रख रखे हैं, सो वी कैन स्प्रिंकल दैट ऑल्सो, रेड कलर आएगा। ये देखिए, झटपट लेस देन 5 मिनट्स में, अगर आपके यहाँ चटनियां रेडी हैं, ब्रेड है, बॉयल्ड आलू है, तो गेस्ट आए, किटी पार्टीज हो, बर्थडे पार्टीज हो, या बच्चों के लिए स्नैक्स हो, तो झटपट उन्होंने देखिए कितना सुंदर बना दिया है ये इंस्टेंट ब्रेड का दही वड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपेक्षा, ये रेसिपी जो थी आपने कुकिंग कॉम्पिटिशन में बनाई थी 2 साल पहले, राइट? एंड इट केम फर्स्ट, राइट? सो देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, इनफैक्ट कितना अच्छा प्रेजेंटेशन भी इसका लग रहा है, फर्स्ट आई थी वो 2 साल पहले जब उन्होंने ये रेसिपी बनाई थी उस कॉम्पिटिशन में। अब आप इसको घर में बनाइए, गेस्ट को खिलाइए,
और एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रेसिपी। गेस्ट आ जाएंगे तो झटपट आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अपेक्षा फॉर दिस वंडरफुल रेसिपी वंस अगेन। बहुत अच्छी रेसिपी आपने दिखाई, झटपट दिखने वाली, 5 मिनट में बनने वाली। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये इतना सुंदर लग रहा है, बच्चे नहीं बड़े भी इसको शौक से खाएंगे डेफिनेटली। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। सो गारंटी ये रेसिपी इतनी अच्छी आपकी किचन में भी बनेगी। बाय बाय एवरीवन।